इसका नाम क्या है? विराज, हत्या, झगड़ा, सेटलमेंट, यही इसका काम है सर। किसी के साथ इसका जमा नहीं होगा, इसलिए मरवा दिया होगा। ये मर्डर पैसे लेके किया हुआ नहीं है, किसी चोट खाए इंसान ने किया है। इसका फेस तो देखो, मरते समय उसका चेहरा देखने का डर, इसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। मुझे इसके अंदर उस मारने वाले के डर की झलक दिखाई दे रही है। मारने वाले से भागने की कोशिश में कार एक्सीडेंट, उधर से भागकर ये इधर आया। बेल बजाई होगी, कौन है ये देखने के लिए व्यू फाइंडर में देखा होगा। पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली चलाई, स्पॉट डेड। मारने के बाद भी वापस आके डोर खोल के उसको उसने दोबारा से शूट किया क्या? इसका मतलब ये जरूर कोई रिवेंज है। गेस्ट हाउस का वॉचमैन भी होना चाहिए, गो एंड फाइंड आउट हिम, इससे पहले कि कातिल सिटी से बाहर निकल जाए। क्लोज ऑल सिटी, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब चेक कीजिए। टिकट प्लीज। हेलो माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4। हाय, दिस इज बक्कू सुब्बाराव उर्फ सुब्बू कोट एम्पायर, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गाजुआ का सेंटर और शांति नगर कॉलोनी के बीच मुकाबला। इन दोनों के बीच में शुरू होने जा रहा है बिना काम काज का बेकार वॉलीबॉल मैच। अब गाजुआ का सेंटर का कैप्टन शिलाजीत खाए हुए बिना हाथ में से बढ़ाए हुए बदन से सर्विस करने के लिए तैयार है। बेकार का बिल्डअप छोड़कर बॉलर सलीले ने सर्विस किया है, वेंकट ने लिफ्ट किया है, वंशी कृष्ण ने गेंद को मारा है, सलीले ने का सामना किया, गेंद आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सुबह चोट नहीं लगी, नाक फूट गई यार। एक कौन है रे? उठा यार, रोक। मैं तेरी तो encoded by bigforummovies.net. Encoded by bigforummovies.net. Mm-hmm.
राम 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 है रामा, अपनी ये सारी दुनिया है रामा, राम 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 है रामा, अपनी ये सारी दुनिया है रामा। हरे 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 मैं तो हूँ बम्बई यारे, कोई जाने ना हूँ कैसा, हरे 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 ना अच्छा ना बुरा रे, मैं जैसे को यारों का यार हूँ, जाबाज हूँ ऐसा, मुझको क्या अपना क्या है बेगाना, आसमां को धरती पे ला दूं, जो चाहूं सो कर दूं, मुझको ना समझो तुम यूं दीवाना, अपना बना के छोड़ूं को जिसको दिल से चाह लूं, सबके दिल में घर बना के फिर मैं अपनी राह लूं, दिल वालों का दिल पर हूँ मैं तो गद्दारों का हूँ दुश्मन, राम 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 है रामा, अपनी ये सारी दुनिया है रामा, राम 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 है रामा, अपनी ये सारी दुनिया है रामा। हरे 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 मैं तो हूँ बम्बई यारे, कोई जाने ना हूँ कैसा, हरे 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 ना अच्छा ना बुरा रे, मैं जैसे को अपने सिर पे मालिक का हाथ है, सबकी दुआएं संग है, फिर चिंता क्या आंधी तूफानों की, जो भी होगा देखा जाएगा, वक्त खुद ही गाएगा ये दास्तान हमसे परवानों की, दो दिन की ये जिंदगी है, आ मस्ती में झूम ले, अपनी राहें खुद बना ले, बढ़ के मंजिल चूम ले, हिम्मत रखना हर हाल में, दिल में सच्ची लगन, राम 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 है रामा, अपनी ये सारी दुनिया है रामा, राम 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 है रामा, अपनी ये सारी दुनिया है रामा। क्या हुआ? क्या लड़की थी? एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, नहीं सर 14 ही हैं। कौन है जो बोल रहा, रॉन्ग काउंट? रॉन्ग नहीं सर, मैं जो कह रही हूँ वो राइट है, आपने जो गिना है वो 14 ही है। नहीं बेटी ये 15,000 है। अरे रे, आपने जो गिनती की है सर वो 14,000 ही है। देखो बेटी, मेरी आंखें वीक हो सकती हैं लेकिन मेरी काउंटिंग वीक नहीं, मैथमेटिक्स में मैं स्कूल में फर्स्ट आया था मालूम है। 14,000 है, इसके लिए 100 की शर्त। ठीक है लीजिए 100 रुपए, अब गिन के देखिए। मेरी एक बार की गिनती 100 बार के बराबर है, तुम गिनो। अरे रे, जिसका नाम पता नहीं जानते उसी के हाथ में पैसे दे दे रहे हो? इतना पागल भी नहीं, तुम्हारे पैसे मेरे पास भी। करेक्ट सर, कितना भी हो आप मैथमेटिक्स स्कूल में फर्स्ट आ चुके हैं। सही है सर, आप ही जीत गए, वो 100 रुपए आप ही रख लीजिए। ठीक है, फिर कभी मुझ जैसे आदमी से शर्ट मत लगाना, हार जाओगी। ठीक है सर, बाय सर। पागल लड़की कैसे जा रही है? चलो 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 जल्दी चलो। धोखा नोट किया? अरे ये लड़की ये धोखा है। अरे लड़की सुनो। अरे पापा छी, ताड़ के झाड़ जैसा बड़ा हुआ है, शर्म नहीं आई? पैसे घुमा कर आया हुआ कहते हुए
एक्चुअली एक भाई ने घुमाए नहीं है, पैसों को पंख लग गए और उड़ गए है ना। तू ओवर एक्शन मत कर, एक दूंगा तो पॉकेट मनी नहीं दोगे ना? अभी देखो मजा चखाता हूँ। मैं इधर बात कर रहा हूँ, तुम लोग क्या खुसर बुसर कर रहे हो? एक्चुअली एक हाँ, लड़की को देखकर होश खो दिए और उसमें पैसे घुमा दिए, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाभी भाभी आप वहाँ आरती कर रही हो और यहाँ ये आपके मुंह पर काले फूट रहे हैं। आओ भाभी आओ, आपके पति लड़की को देखकर पैसे घुमा रहे हैं, वो तो ठीक है लेकिन और क्या क्या घुमा रहे हैं? पूछो इनसे, पूछो सच क्यों जी, कौन है वो लड़की? कितने दिन से उस लड़की के पीछे पैसा घुमा रहे हो आप? और मैं ठीक है इसके लिए पूछा गया था, बात कर रही हूँ और आप किसी के भी पीछे फिर रहे हो? मुझे धोखा दोगे क्या? क्या आपको ठीक लग रहा है? खुद को समझते क्यों हो तुम? क्या है तुम लोग यहाँ तमाशा देख रहे हो? और कोई काम नहीं है तुमको? जाओ जाकर काम करो, जाओ। ए बच्चों जाओ जाओ, तुम भी जाओ। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तुम ढिंकट बिल्कुल भी नो। पापा एटीएम लड़की, लड़की का मतलब एटीएम, एटीएम लड़की, यही लड़की, यही लड़की है, मेरे पैसे चुरा के भागी थी। जान दो पापा, पकड़ो, छोड़ना मत इसको पापा, पकड़ो। पापा एटीएम की लड़की, लड़की एटीएम, पापा मतलब एटीएम वाली लड़की। सॉरी सर, लीजिए आपका पैसा। पापा ये पैसे, यही है पैसे। एक्चुअली मैं रोड पर जा रही थी, एक छोटे लड़के का एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में ज्वाइन के लिए ऑपरेशन के लिए 15,000 मांगा, टाइम पे हाथ में पैसे नहीं थे, क्या करूं? सोच रही थी तो मैं आप एटीएम के पास दिखाई दिए। बकरे के जैसे मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन आपके पैसों से एक लड़की की जान बच गई, कोई रास्ता मिला नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। जान बचाना डॉक्टर का ही नहीं अच्छे दिल वालों का भी काम है। जब तुम पैसा लेकर अंदर आई तभी तुम्हें समझ चुके थे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर ऑल वेलकमिंग यू। फिर आपने मुझे ए, तू चुप कर। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कनक महालक्ष्मी, लेकिन अब मुझे लोग भारती कहते हैं। भारती तुम कहाँ रहती हो? डबा गार्डन वुमेन्स हॉस्टल में रहती हूँ। वुमेन हॉस्टल? तुम्हारे माता पिता? मेरे कोई नहीं है। हे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारा। मिल गई मुझे, पाम से कुछ ऐसी लड़की चाहिए थी वो मिल गई, अब मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ भारती का रूम कौन सा है? उधर। कौन? वामसी, वामसी कृष्णा फ्रॉम सीबीआई डिपार्टमेंट। पुलिस वाला? बाबा बाबा साईं बाबा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? रानी प्रीति ऐश्वर्या, इनके क्या बात है? वो जो कमर तक पहनती है ना, मैडोना मैडोना, तो बेकार है तुम्हारे सामने, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। सर जरा ठीक से बात कीजिए ना। ए कल मॉर्निंग 10 o'clock कहाँ थी तू? सॉरी आप। मैं कहीं भी होंगी, आपको क्या करना है? लटकूंगा एक कान के नीचे। ए कल सुबह 10 बजे पूर्णा मार्केट एटीएम सेंटर से पैसे चुरा कर भागी थी ना तुम? मैं वहाँ थी, इसका सबूत क्या है? क्या कहा, सबूत चाहिए? हाँ। 1 minute, सबूत पूछ रही हो मुझसे? इन दिनों एटीएम सेंटर में कैमरा लगा होता है जानती हो तुम? सबूत चाहिए ना तुम्हें? अभी देता हूँ। हेलो, क्या लड़की लाइन पे आई क्या? थोड़ा टाइम लगेगा, कंट्रोल रखो यार। जल्दी करना यार, पार्टी दिए बहुत दिन हो गए। सर कल एटीएम सेंटर में चोरी करते हुए रिकॉर्ड किया था, उसका टेप कहाँ है सर? ये टेप क्या है? क्या कोर्ट में भेज रहे हैं उसे? नहीं सर, इमीडिएटली वुमेन्स हॉस्टल में भेज दीजिए। लड़की को सबूत चाहिए, दिखाएंगे। समझ गया, टेप 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। सबूत मांगा था ना तुमने, आ रहा है। अब तो मानती हो ना कि चोरी तुमने ही की थी? सर पूना मार्केट एटीएम सेंटर से पैसे निकालने गई थी। तुमने वहाँ चोरी की थी? हाँ, वो मैं ही थी। बट वो पैसे मैं लोगों को रिटर्न कर चुकी हूँ सर। हैं, और मनीष मार्केट की चोरी? अरे रे वहाँ पर गया है। हाँ समता नगर में भी चोरी हुई है सर। हाँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। इसका फैसला हम करेंगे, सीधी तरह हमारे साथ चलती हो या घसीट कर ले जाएं विकास के लिए। मतलब हथकड़ी पहना? हाँ। अरे नहीं सर प्लीज सर, 10 लोगों में मेरी इज्जत जाएगी सर, पहले से ही मुझे पुलिस और पुलिस स्टेशन से बहुत डर लगता है सर। ठीक है हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा। थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर। सर अब क्या हुआ? सर मुझे कोई पूछेगा कि आप कौन है तो मैं क्या जवाब दूं उनको? पूछेंगे तो भैया कह दो सर। क्या लगाऊंगा एक तुमको, इतना रिस्क क्या भाई बनने के लिए लेता? एक काम करो, हम दोनों एक ही उम्र के हैं ना, बॉयफ्रेंड कह दो। बॉयफ्रेंड?
नहीं बोलोगी? नहीं बोलोगी? बोल दूंगी। हाँ। ए, कौन है ये? अच्छा लग रहा है। वो असल में वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सुपर सिलेक्शन। भीमली से गाजियाबाद का तक जो जैसा मिले उसको अंदर डाल दो। अपने पुलिस का पावर सबको पता चलना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। ये हाथ में क्या है? ट्रांजिस्टर है, वायरलेस का कटिंग दिया है। ध्यान से गाना ना बचा है। इडियट, कितनी बार कहा रिपेयर करवाने के लिए? डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहा हूँ। सॉरी सर, इधर कहीं पर गजनी वैसो घूम रहा है लगता है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये हमारे हेड कांस्टेबल है मिस्टर रूठर रोड। गुड मॉर्निंग मैडम। ए, सैल्यूट मारने से पता चल जाएगा हम पुलिस वाले नहीं है। नो, गुड मॉर्निंग मैडम। सबूत मांग रही थी ना? लीजिए सर। सिनेमा का सीडी है सामान। ओके ओके, इतना काफी है कि और चाहिए? चलो चलो। ये क्या, यहाँ क्यों लेके आए हो? यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना? क्या भाई, इधर वो मानव समाज संघ, महिला समाज संघ की टेंशन है, इसलिए लड़कियों से बाहरी पूछताछ करने का ऊपर से ऑर्डर है। और फिर तुमने भी तो कहा था तुम्हें पुलिस स्टेशन से डर लगता है। डाउट है तो बोल दो, वहीं पर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहीं पर बेटर ठीक है। अब अपने ग्रुप का नाम बताओ। कंप्यूटर साइंस। तुम्हारे गैंग के बारे में पूछ रहा हूँ, बिन लादेन का ग्रुप है या फिर बिल्ला रंगा का ग्रुप है? अरे रे, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से दैट। रुको रुको, हिंदी में, नहीं तो मेरी सास बुरा मान जाएगी। ओके सर। ठीक है। मेरे फादर मदर बचपन में ही गुजर गए, तब से मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ सर। क्या रे, घुमा रही हो? घुमा नहीं रही हूँ सर, रियल कह रही हूँ। प्लीज सर, मुझे किसी भी तरह इस केस से बाहर निकाल दीजिए सर। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी सर। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे दया आ रही है, इसलिए तुम्हें सीधे केस बुक करके जेल में नहीं डालूंगा। एक काम करता हूँ, आज से तुम्हें 30 डेज ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ। तुम मुझे अगर चोर नहीं लगोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तक तुम्हें हर दिन आकर रजिस्टर में साइन करना पड़ेगा, चलेगा? क्यों सर? क्योंकि तुम शक के दायरे में हो, अगर तुम भाग गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखो, आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा रिस्क नहीं लिया होगा, मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। थैंक यू सर। एक मिनट, स्माइल। ये किस लिए सर? कल सुबह अगर कहीं तुम भाग गई तो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के एटीएम सेंटर में तुम्हारी फोटो लगा दूंगा, इसलिए। बाबा बाबा, साईं बाबा। अपना फोन नंबर बताओ। 9247124058। रिंग कर रहा हूँ, मेरा फोन नंबर आ जाएगा, नोट कर लेना। याद है ना, कल इस स्पॉट पर आकर मिलना है। ठीक है सर, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, अब आप पर ही भरोसा है। ओके ओके। थैंक यू सर। अब तो मेरी जिंदगी बन गई है, तो मैं अपने दिल में बसा कर रखूंगा। दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचू, सब यहाँ आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? टीवी में मुझे बहुत खुशी है चुनाव में जीतने। ये तो बिल्कुल अपने राघव जैसा लग रहा है। चलो राघव, पहली बार आप इलेक्शन जीत के आए, आपको कैसा लग रहा है? पॉलिटिक्स के जरिए ऊंचाई तक पहुंचने में जो मेरी ख्वाहिश थी, ये तो एक उसकी पहली सीढ़ी है। इस ऊंचाई तक पहुंचकर मैं बहुत खुश हूं। ठीक नहीं दिखता पर टीवी पे अच्छा दिख रहा है। साउंड तेज करो। अच्छा दिखाई दे रहा है? तुम्हारी साउंड नहीं, टीवी की साउंड तेज करो। राघव जी, अब तक आपने अपने सपनों के बारे में बताया, अब आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। अरे ये क्या, ये गेट तो अपने घर के गेट जैसा दिख रहा है। गेट ही नहीं पापा, देखो पूरी कोठी को कॉपी किया है। कॉपी नहीं, अपना ही घर है। इसने शादी कब की? हाँ, अरे वो टीवी एंकर है। नमस्ते जी। अब तक आप मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। ये है मेरी फैमिली, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई, कांग्रेचुलेशन, ये मेरी भाभियाँ और ये उनके बच्चे हैं। बच्चों हाय कहो। वैसे तो मेरा कोई है नहीं, आज मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, मैं इतना बड़ा आदमी बना, इसका कारण है वंशी, माय फ्रेंड, एवरीथिंग टू मी। अरे बताने दो यार, ये मेरा दोस्त। तुम्हारे लिस्ट में मैं नहीं हूँ क्या? क्या, तू क्यों नहीं है यार? ये है सुब्बू, हमारे हैप्पी होम का कार्टून चैनल। क्या हो, थोड़ी देर के लिए एमएलए हो गया ना यार, पार्टी कब दे रहा है? ए, एमएलए के लिए क्या पार्टी लेना, मैं तो ऐसे मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ। उस दिन ये दे या ना दे, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। लाइफ पे पार्टी नहीं मिलेगी। अरे तेरी तो, अरे यार इतने दिन कैसा था? हेलो सर, मैं अपने स्पॉट पे आ चुकी हूँ। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम इससे बात करो। अरे ये क्या यार, मैं तेरे लिए हैदराबाद से वाइजाक आया और तुम मुझे मेरी एजेंट है, तू बात करना, मैं अभी आता हूँ यार, बस अभी आया। ए, तू किधर जा रहा है? पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग का मतलब? पेट्रोल भरा कर आता हूँ यार। अरे रुकना। Encoded by BigForumMovies.net.
गुड इवनिंग सर। क्या है, इंप्रेशन जमाने के लिए आई हो क्या? कौन है ये लड़की? मेरी फ्रेंड है सर, मेरे साथ आई है। क्या, यहाँ किसी की शादी हो रही है क्या जो भाई बंधु और परिवार के साथ आओगी? ये पुलिस पूछताछ है। ऑफिसर, यू डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर दैट गर्ल। चलो कहाँ पे? इंट्रोगेशन के लिए। क्यों, यहाँ नहीं हो सकता क्या? एक ही सेल में दो कैदियों को इंट्रोगेट करते क्या? इसलिए ऑफिसर, इंट्रोगेशन सेशन में करना चाहिए। इस तरह आउटडोर लाने पर डाउट्स होते हैं। हाँ, हमको कोई डाउट नहीं है। तो फिर अपने फ्रेंड को मेरे साथ भेज दो ना। प्लीज। अच्छी तरह संभालना। ठीक है, लेकर चलते हैं। गो अहेड। कुछ लड़कियों का शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं बढ़ता। फॉर एग्जाम्पल, हमें कौन सी ड्रेस सूट करती है, हमें कौन सी हेयर स्टाइल सूट करती है, हमें इसका कॉमन सेंस होना चाहिए। हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन लड़कियों की बात कर रहा था। हम जो ड्रेस पहनते हैं उससे हम ही नहीं बल्कि सामने वाला भी इम्प्रेस होना चाहिए। ए, तुम तो सुपर हो, तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल भी सुपर है, तुम्हारी स्माइल अच्छी है, हाइट ओके, कहीं कुछ तो मिस हो रहा है। हाँ, हेयर, हेयर जो टाइट है उन्हें थोड़ा सा लूज करो। हाँ, थोड़ा सा लूज करो। ओके, सुपर, ये चाहिए। इस बीच की हवा से बाल जब उड़ते हैं तो उन्हें अपने हाथों से पीछे करते हुए अच्छी लगती हो। हाँ, यही बहुत अच्छी लगती है ऐसे करते हुए। होल वैजाग तुम्हारे पीछे भागेगा। सर, आप इंट्रोगेशन करके कुछ और ही बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत शार्प है। ये भी इसी का एक पार्ट है। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? BSc कंप्यूटर साइंस। उसके बाद? मालूम नहीं सर। MSc नहीं करोगी क्या? मतलब क्या करना चाहोगी? कुछ नहीं सर, अच्छा सा जॉब देखकर सेटल होने का सोच रही हूँ। जब देखो पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई, शादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? इस बारे में कभी सोचा ही नहीं सर। क्यों, पूरी होने के बाद सोचेंगी क्या ये? मतलब नहीं करोगी क्या? नहीं करूँगी का मतलब करूँगी। किसे करोगी? यानी किस तरह के लड़के से करोगी? फॉर एग्जाम्पल, नागार्जुन, वेंकटेश, महेश बाबू जैसे लोगों से करने का इरादा तो नहीं है ना? सर, उनकी शादी तो पहले ही हो चुकी, मेरे फेस के लिए तो उनकी रेंज ही नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम? अभी मैंने बताया ना, सारा वैजाग तुम्हारे पीछे भागेगा। सर, साइन लेंगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, वो एक रह गया ना। ठीक है, आप सर ये क्या कर रहे हो? सर, साइन करवाना था ना। कहाँ पर? यही, रजिस्टर लाना भूल गया, ऑफिस जाने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर रिकॉर्ड में लिख दूंगा। आओ करो, कम ऑन। क्यों नहीं करोगे? ठीक है, तो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। स्टेशन नहीं सर। फिर करो, रुको, करके नहीं, थोड़ा हैप्पी स्माइल से, खुश होकर के, मुस्कुरा करके करो। स्माइल थोड़ा सा और। हाँ, जाओ और करो। मैं चलती हूँ, जाना जरूरी है। ओके, हेलो सर, कल का याद है ना? सेम प्लेस आऊंगी सर। ओके, अरे बाप रे, अब नहीं चल पाऊंगा, चालू करूँ क्या? ओके, आई एम रेडी। इतना चिल्लाओ मत, उसने तुम्हें नहीं मुझे छेड़ा है। काफी देर हो चुकी है, शुरू करें क्या? दीदी, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीदेवी। फूलन देवी रखना चाहिए था, किसी को इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छी, अब केस कैसा? रद्द करता हूँ। पता नहीं क्यों उसका रवैया देखकर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तुझे हमेशा ही डाउट आते हैं, हमने जो किया वो गलत था ना, तुम क्यों चिंता करती हो? फिर एक ही महीने की तो बात है, सब क्लियर हो जाएगा। ज्यादा मत सोच, अब तक सो जा। लो पापा, माँ ने खाना भेजा है। ए, रुक जा। हा? मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, काउंटर पे बैठ जा, मैं अभी आ रहा हूँ। पैसा पैसा पैसा। पापा, डोर क्लोज क्यों है? इसका तू क्या करेगा, इसलिए ये कीज मैं अपने पास रख रहा हूँ। अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे तो खुद पर भी भरोसा नहीं है। ओह, आपसे तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा पापा। ये क्या, ये यहाँ? बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहे? जल तू जला तू आया। हेलो, आप पुलिस नहीं है? नहीं, CBI ऑफिसर हूँ। फिर आप यहाँ क्या कर रहे? तो वो तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब? और आप? क्यों, पुलिस वाले पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, वो इंसान नहीं है, उनकी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर?
मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या जानती हो तुम? मेरी बहुत पुअर फैमिली है, मेरे पापा को टीवी, मेरी मां भी है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे। फिर तो ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है क्या? क्यों नहीं है, है ना, दो दो भाई हैं, लेकिन दोनों के दोनों बेकार हैं, हमेशा बीवी का पल्लू पकड़कर घूमते रहते हैं। अरे रे, असल में गवर्नमेंट की सैलरी कितनी होती है जानती हो तुम? मालूम नहीं सर। मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, 10,000, उसमें से पीएफ, ईएसआई, एलटीडी, एसटीडी, आईटी सबकी कटिंग करके हर आदमी के 1,000 रुपए के हिसाब से मिलता है कुल 5,000, उसमें से 2,000 रुपए रूम रेंट, 2,000 मेस बिल, बच गया 1,000, मम्मी पापा के ट्रीटमेंट में लग जाता है, अब मेरे पास बचा क्या? क्या होगा सर? है ना, इसलिए तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वो कल त्योहार है ना, ओ कपड़े खरीदने आई थी। ले चुकी? हाँ। निकलो सर, बिल अमाउंट? नहीं नहीं, अपने अकाउंट में लिख लूंगा, तुम जाओ सर। हाँ। नहीं सर। क्यों? आपके फादर को टीवी, रुको, आपकी माँ दी, रुको, मैंने जो कहा उसका रिकैप नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। ओह ए, इस लड़की का पैकेट इसको दे दो प्लीज, जाइए। पेंट छोड़ गया बाबा। सर, आई लाइक योर एटीट्यूड सर, सो नाइस ऑफ यू। आपके फादर को टीवी, आपकी माँ दी, आपके भाई बेकार, रुक जाओ, सो मेनी सिस्टर्स लॉस्ट। अरे रुक जाओ यार सर, अरे रुक जाओ, मेरी इज्जत नहीं है सर, रुक जाओ, प्रॉमिस। कल शाम और शुक्रवार है ना, मैं आपके घर वालों के लिए वहाँ पूजा करूँगी। मेरी माँ तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस करो बस करो बस। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनया श्रीरंग धामेश्वरी दासी भूत समस्त देव वनिता लोकैक दीपांकुरा श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनी सरसि जा वंदे मुकुंद प्रिया, वंदे मुकुंद प्रिया। आंटी आप? क्यों बेटी, रोज मंदिर आती हो? नहीं आंटी, आज श्रावण शुक्रवार है ना। उपवास भी रखती हो क्या? त्योहार के दिन हॉस्टल में क्या खाना खाओगी, आज हमारे यहाँ पर खाना खा लो ना। नहीं दीदी, थोड़ा सा काम है। काम तो हमेशा ही रहता है, आओ ना। आना ही होगा, तुम्हें जरूर आना नहीं, होगा। नहीं, नहीं, आना ही पड़ेगा। ओके ओके, एक मिनट। हेलो, क्या हुआ, निकले कि नहीं? नहीं सर, आज श्रावण शुक्रवार है ना, रिलेटिव खाने पे बुला रहे हैं, अगर आप परमिशन देंगे तो खाना खा के आऊं। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आज त्योहार है ना, आराम से खाना खाकर खूब रेस्ट करो, ठीक है ना? लेकिन एक बात सुनो, कल तुम्हें जरूर आना होगा। याद है सर। नहीं आओगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जरूर आऊंगी सर। क्यों आ गए? ये कहाँ से आ गए? सर 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 सर, आप यहाँ क्यों आ गए सर? अरे पहले बगल में चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे रिलेटिव के यहाँ खाने पर आई हूँ। रिलेटिव किस तरफ से हो? किसी भी एक तरफ से, फिर भी आपको इतना ही शक क्यों होता है सर? मैं बोली थी ना, मैं सिटी में ही रहूंगी। हाँ बोली थी। आप अनाग लेट क्या हो गई? आप एड्रेस लेके आ गए? आपको इतना ही भरोसा नहीं है? अरे कोई देख लेगा तो। देख लिया। उनके लिए मेरे मन में अच्छा ओपिनियन है, उनको पता चलेगा कि आप मेरे इंट्रोगेशन के लिए आए हो और मैंने डर के पैसे लौटाए हैं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या कहूँ उनको? हम दोनों एक ही उम्र के ना, तुम बॉयफ्रेंड कह देना। आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ।
बॉयफ्रेंड है। ये क्या, इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी है? शौक लगा क्या? हाँ बेटी, शौक में ही है। इनका नाम, इनका नाम है वंशी कृष्णा, बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर है। नमस्ते सर। हाय। ये बहुत बड़े ऑफिसर है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनकी बहुत बड़ी फैमिली है। ये सब बताना जरूरी है क्या? बताने दीजिए, आपके बारे में मालूम पड़ना चाहिए, नहीं तो ये मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, बताओ। बेचारे, इनके पापा को टीवी है। क्या हुआ अंकल? कैश बेटी, थोड़ा ज्यादा हो गया है। इनकी माँ अंधी है। हाँ आंटी, आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इनका भाई बेकार बिना काम का गधा है, घर की जिम्मेदारी भूलकर हमेशा बीबी के पल्लू में पड़कर घूमते रहते हैं। उनको तो अकल नहीं है, एटलीस्ट बेटियों को तो साथ होना चाहिए ना। हाँ, सो मेनी चेहरे हैं। क्या बताऊँ, इतनी बड़ी फैमिली को मेंटेन कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट पगार कितनी है जानते हो? 10,000। उसमें से पीएफ कटिंग, एएसआई कटिंग, एलटीडी कटिंग, एसटीडी कटिंग, इतने सारे कटिंग्स दिया है। हाँ अंकल, इतनी कटिंग है इसलिए वो बेकार में मूसी कृष्णा राव एंड सन्स में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। बेकार नहीं बेटी, बड़ा कृष्णा राव ही समझता हूँ। हाँ, कोई भी कृष्णा राव होगा। अब बताइए, मैंने अच्छे लड़के को पसंद किया है या नहीं, बताओ। तुम्हारी पसंद अच्छी है बेटी। इसलिए अंकल, हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। डिसाइड हो चुका, शादी में भी बुलाएंगे हमें। नहीं होगा, मौन गए। ओके अंकल, हम चलते हैं। चलो 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 चलो। सॉरी सर, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो गया था ना। तुम्हें लग रहा है ना, मुझे और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब तुम जाओ, ठीक है? जाओ। छोटे ने कुछ दवाई के लिए पैसा भेजा है क्या? कौन सी दवा जी? अरे तुम्हें पहले से ही दिखाई नहीं देता, गिर जाओगी, संभलो। मैं तो अंधी हूँ ना। अरे बेटे, एक बार अपने छोटे भाई को फोन करो बेटा। अरे अरे, आपको तो पहले से टीबी है। फोन करने का टाइम कहाँ हमारे पास, हम तो बीवी के पल्लू को पकड़ के घूमते रहते हैं। तुम दोनों फोन तो कर सकती हो ना, अपने आप को संभालते रहे तो फोन कहाँ से करेंगे। अरे अरे, अपने आप को संभालिए। बाबा मैं सबके हाथ जोड़ता हूँ, अब रुक जाइए। मैं भारती से प्यार करता हूँ और मैंने लॉ के लिए सीबीआई ऑफिसर का छोटा सा ड्रामा किया, उसमें भी पकड़ा गया। सॉरी 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 सॉरी। हमारे लिए झूठ बोला ठीक है, तेरे प्यार के बारे में उसे सच तो बोला है ना? बताऊंगा भाभी, सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। Encoded by BigForumMovies.net. .net. Encoded by BigForumMovies.net. करते हैं तुमसे प्यार हम कितना, हाल दिल का ये जुबां कह पाए ना, कैसे बताए तुम तो जाने जान, बेखुदी में कुछ समझ में आए ना। से पूछ लो धड़कन से, पूछ लो नजरों से, पूछ लो जरा खुशबू से, पूछ लो कलियों से, पूछ लो भंवरों से, पूछ लो जरा। करते हैं तुमसे प्यार हम कितना, हाल दिल का ये जुबां कह पाए ना, कैसे बताए तुमको जाने जा, बेखुदी में कुछ समझ में आए ना।
से कह दूं हो दिल लगे ना एक पल को हम छटे ना आश खुद के हो मन रहे ना दिन ढले तो शब कटे ना करते हैं तुमसे प्यार हम कितना हाल दिल का ये जुबां कह पाए ना करना याद करके आह भरना बेबसी में हो यूं सिसकना बेकरारी बेतड़पना हाल दिल का ये जुबा कह पाए ना कैसे बताए तुमको जाने जा बेखुदी में कुछ समझ में आए ना तुम नहीं से पूछ लो धड़कन से पूछ लो नजरों से पूछ लो जरा खुशबू चलो सुबह तक गांव पार करना है देर क्यों लगा रही हो नहीं तो फंस जाएंगे अब बताओ विराज के गेस्ट हाउस में कितने सालों से वॉचमैन गिरी का काम कर रहे हो चार साल से सर तुम्हारा नाम क्या है गन नहीं है सर नाम में ही गन है तुम्हारे पास भी गन होगी ना नहीं सर फिर गन किसने चलाई विराज को किसने मारा मुझे मालूम नहीं सर मालूम नहीं फिर उसने तुम्हारा नाम क्यों बताया नहीं सर उसने अकेले ही चलाया था सर कौन है वो कौन है वो वंशी कौन वंशी वही सर जगदम्बा सेंटर में जो है मुद्दू कृष्णा राव एंड सर उसका छोटा लड़का सर मुद्दू कृष्णा राव एंड सन्स दो महीने से घर को ताला लगा के कहीं पर चले गए हैं बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सब क्लोज करके पूरी फैमिली किसी को बिन बताए कहीं पर चली गई है किधर जा सकते हैं है भी कि नहीं यही तो पता लगाना है उनके रिश्तेदार दोस्त वर्कर्स घर पर दूध देने वाले से लेकर वॉचमैन तक की सबकी इंक्वायरी करो किसी को मत छोड़ना क्यों आई हो पहले तुम बताओ तुम क्यों आए हो वंशी वंशी ऑटो सर ए, बात सर, नहीं कर रहे हो सर ऑटो ऑटो मेरी बात सुनो सर तुम यहाँ से चली जाओ ऑटो मैडम नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी भारती प्लीज मैं क्यों कह रहा हूँ समझा करो ए इडियट क्या चल पा मचा रखी है दिखता नहीं है लड़की से बात करो उन्हें दिखाई नहीं देता तुमको जाओ मेरा गुस्सा उस पर क्यों दिखा रहे हो तुम पर कैसा गुस्सा गुस्सा तो अपने आप पर है
सब लोग हमें देख रहे हैं, चलो यहाँ से। ए, किसी अच्छे होटल में ले जा सकते हो? क्या है बोलो? अरे भाड़ा। अरे ये क्या है? एक रुपया, एक रुपया सोच के कम मत समझो, उससे करोड़ों कैसे कमाना है वो सोचो। गुड मॉर्निंग सर। नो नो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहने के लिए दोनों के बीच परिचय चाहिए। पसंद होगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलो परिचय बढ़ाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने परिचय करने के लिए बुलाया है, सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आ गया। और सर परिचय बढ़ाते हैं। आर यू हैप्पी? बहुत हैप्पी सर। बताइए सर, एसी रूम चाहिए, डिलक्स रूम चाहिए, स्वीट रूम चाहिए? क्या इधर काम करने वालों के लिए क्वार्टर्स नहीं है क्या? उसका क्या करेंगे सर? बेल बॉय, बॉक्स बॉय, को बॉय, लाइफ बॉय, टोटल इस होटल का मैं ही रूम बॉय हूँ। एटीएम तू? या द ग्रेट एटीएम, एनी टाइम इन सर्विस। सुलभ कम्प्लेक्स को चूल्हा लगाने के टाइप में गेटअप किया है। वाजी 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 वाजी, तू ही मेरा शिवाजी। अपना ये गेटअप बदल कर ड्यूटी पर जाए। लग रहा हूँ ये रिसेप्शन में खड़ा होकर दारू क्यों पी रहा है? तुमने तो कहा लग जाओ। मैंने इस ड्यूटी पर नहीं उस ड्यूटी पर कहा है। किधर है? एक्सक्यूज मी मिस्टर सुब्बू। मैं यहाँ हूँ, तू वहाँ किससे बात कर रहा है? तुम यहाँ पर हो, तेरी चश्मिस कौन है? अरे बाप रे, सारा नशा उतर गया। क्वार्टर वेस्ट हो गया, फिर एक रुक गया। यू जस्ट फेलो। जल्दी से रूम नंबर 302 जा, 302 लार्ज, 3 शुगर लेस कॉफी लेकर जा। भारती उतरो। ए, चेहरा क्या देख रहे हो? मीटर कितना हुआ बताओ। 50 रुपए सर। चलो। एक्सक्यूज मी। यस। ए सुबू, वामसी कैसा है यार? ठीक हूँ यार। तुम यहाँ रिसेप्शन पर? रिसेप्शन रिसेप्शन पर नहीं तो क्या किचन में रहेगा? मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। और तू यहाँ कैसे? छोटे से काम के लिए आया हूँ। 3-4 डेज के लिए रूम मिलेगा क्या? तुझे क्यों नहीं मिलेगा यार, एक मिनट। हेलो हाउस कीपिंग, 101 सिंगल रूम रेडी है? सिंगल रूम नहीं यार, डबल रूम चाहिए। भारती भी आई है। भारती किधर है? भारती ये देखो, हम जहाँ भी जाएंगे गणपति की तरह वहाँ रहेगा। हाय सुबू। ऐसे क्या देख रहे हो? बिना शादी वालों को रूम नहीं मिलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दस्तखत करो। वन मिनट। बॉय बॉय, रहने दे यार, हम लोग ले जाएंगे। रूम नंबर 201, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। మరి కరగడేవుడు అప్పుడు అప్ప క్వార్టర్ వేస్ట్ అయిపోయింది, క్వార్టర్ వేస్ట్ అయిపోయిందా? అయితే ఫుల్ క్వార్టర్ మాట్లాడు రా, వేస్ట్ ఫెలో. అర్జెంట్ గా రూమ్ నెంబర్ 302 కి వెళ్ళి 3 లార్జా, 3 షుగర్ లెస్ కాఫీ ఇవ్వరా. రే మా మొక్కలు కాదు, మీటర్ అంత ఏందో చెప్పు. Excuse me. Yes. Hey, Subbu. Hey, Vamsi.
ఎలా ఉన్నావురా? బానే ఉన్నానరా. నువ్వేంటి ఇక్కడ రిసెప్షన్ లో? రిసెప్షనిస్ట్ రిసెప్షన్ లో కాకుండా కిచెన్ లో ఉంటాడా? నేను ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నానరా. అవును, నువ్వేంటి ఇలా? చిన్న పని మీద వచ్చాను, 3-4 డేస్ స్టే. రూమ్ దొరుకుతుందా? నీకు లేకపోవడం ఏంటరా? ఒక్క నిమిషం. హలో హౌస్ కీపింగ్, 101 సింగిల్ రూమ్ రెడీ అయిందా? సింగిల్ రూమ్ కాదురా, డబుల్ రూమ్ కావాలి. బుజ్జి కూడా వచ్చింది. ఎక్కడరా బుజ్జి? మన ఎక్కడికి వెళ్ళా వీడు వినాయకుడిలాగా మన ముందే ఉంటాడు. ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు? కొంప తీసి పెళ్లి కన్నాలకు రూమ్ ఇవ్వా ఏంటి? అబ్బే అదేం లేదురా, ఇదిగో ఇక్కడ సంతకం పెట్టి. 1 మినిట్ బాయ్ బాయ్. పర్లేదు లేరా, తీసి మేము వెళ్తాం. రూమ్ నెంబర్ 201 రా, మీరు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అవ్వండి, నేను వస్తాను. అలాగే. ఏ సుబ్బు, రెండు కాఫీ భిన్నయ్యార్ అవి పిచ్చుకా. భారతి కాఫీ ఆయి క్యా? అభి తక్ తో నహీ. మే కమ్ ఇన్ సర్. ఆల్రెడీ అందర్ ఆ చుకే హో, అబ్ పూచ్ రహే హో. మే కమ్ ఇన్ సర్. ఆయా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆప్కా రూమ్ నంబర్ క్యా హై? నంబర్ దేఖే బినా అందర్ ఘుస్ గయే క్యా? కిసీ నే కాఫీ ఆర్డర్ దియా, రూమ్ నంబర్ మాలూమ్ నహీ తా, సబ్ రూమ్ ఘూమ్ కర్ ఆ రహా హూం. కాఫీ మే నహీ బోలీ థీ, యే 201 హై. ఫంటాస్టిక్ సర్, ఆప్కా రూమ్ నంబర్ ఆప్కో యాద్ హై? ఆప్కే మెమోరీ కార్డ్ మే కిత్నా జీబీ హై సర్? కాఫీ లీజియే. దో. छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए हाथ आगे करते हैं, इस तरह इतने लोग हाथ आगे करेंगे तो मुश्किल सर. लीजिए. ए, मैं यहाँ हूँ, वहाँ क्यों दे रहे हो? लीजिए. ए, लीजिए लीजिए. सर आपके माल से तो सब भाग गए सर. लीजिए सर. सर ये कॉफी किसको दो? उधर मैडम को दे दो. ये मैडम किधर है? ए, एक और लगाऊं क्या? नहीं सर, मैडम क्लियर दिखाई दे रही है. इधर इधर. मेरी माँ, तुम किधर हो? ये कॉफी पीकर मुझे बचा लो. क्या बकवास कर रहा है? मैडम और आप, मेट फॉर इच अदर सर, कह रहा था. अरे भारती, तुम बाथरूम में कब गई? उससे बात कर रहे थे ना, तभी गई. फिर तू किससे बात कर रहा था? वो सर. जा. ठीक है जा रहा हूँ, जा रहा हूँ. क्यों सर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. ए रुक जा, नशा करके तू किधर जा रहा है? दवाई लेने जा रहा हूँ. तेरी दवा तो तेरे पास रहती है. वो दवाई नहीं, डॉक्टर की दवाई लेने जा रहा हूँ. उस दवाई ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अभी तक 1-4 दिखाई देते थे, अब है फिर भी नहीं दिखाई देते. क्या? हाँ. ये कितने हैं? 3. 2 का 3 कर रहा है, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. चुप कर, बंद गोलियों के बारे में. तेरे हाथ में तो मेरा हाफ बोतल है. तुझे? ए, धक्का क्यों दे रही हो? नहीं तो जरा सी छूट क्या दी, तुम तो सर पर चढ़ गए. मैंने क्या किया? बस थोड़ा सा प्यार बढ़ गया इसलिए पास आ गया. हाँ हाँ, बहुत बड़े प्रेमी हो इसलिए मुझे वही जात में छोड़कर आ गए थे. ए, तुमसे प्यार है इसलिए छोड़कर आया था? तुमसे ज्यादा प्यार मैं करती हूँ इसलिए तुम्हें ढूंढती हुई आई. हाँ ओके, देखते हैं दोनों में से किसे ज्यादा प्यार है. ठीक है, तो फिर एक छोटा सा टेस्ट करते हैं. आओ बैठो. क्या? पहले बैठो तो बताता हूँ. बैठो. दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना होगा. जो बिना पलक झपके ज्यादा देर तक देखेगा समझो उसी को ज्यादा प्यार है. ओके ना? ओके. फिर जो जीतेगा उसका गिफ्ट क्या? वो भी तुम्हें बताओ. तो जहाँ पर रोका था वहीं से शुरू करते हैं. क्या? नो 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 नो, मैं नहीं मानूंगी. क्यों? हारने से डर लगता है क्या? हारने से मुझे? नेवर. तो फिर स्टार्ट करो ना. रेडी रेडी. 1, 2, 3 स्टार्ट. नखरे तेरे पास? ये ड्रेस, ये चश्मा, ये स्टाइल, बाप रे, नखरे ज्यादा हो गए तेरे. गुड इवनिंग सर. हाँ,
क्या यहाँ पर धूप तो दिख नहीं रही और तुम गॉगल लगाकर घूम रही हो? ये तुम्हारे यहाँ का स्टाइल है क्या? जी, स्टाइल नहीं सर, आँख आई है। क्या आई है? आँख आई है, वही आई इन्फेक्शन, इसे मद्रास आई कहते हैं। मद्रास में आई है तो मद्रास वालों को आनी चाहिए, तुम्हें क्यों आई है? मुझे पता नहीं सर, कल से आँखों में बहुत जलन हो रही है। चश्मा निकालना, देखो तो। नहीं नहीं सर, आपको भी तकलीफ होगी। इतनी किस्मत हमारी? क्या कहा? कुछ नहीं, चश्मा उतारो, एक बार मुझे देखना है। प्लीज सर, कहना मानिए। ए, पुलिस नहीं सुनती। केस में मुद्दई जो कह रहा है वो सच कह रहा है या झूठ जानने के लिए आंखों में आंखें डालकर देखना पड़ता है। निकालो। नहीं सर, ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन हो या फैक्शन हो, लेकिन मुझे देखना तो पड़ेगा ना। निकालो निकालो। तेरी आंखें बोलती हैं, तेरी आंखें बोलती हैं। माँ, कितनी देर से बुला रहा हूँ, जल्दी आओ। आ रही हूँ। बेकार का रोग बेकार का रोग, कहाँ से लाया है? नमक कहाँ है, शक्कर कहाँ है, मालूम नहीं पड़ रहा है। सब एक ही रंग में दिख रहा है। लो कॉफी। ये रोग नहीं है माँ, प्यार है। प्यार भी तो एक रोग है ना। ऐसा मत कहो माँ, पहले भारती को आई, भारती को मैं प्यार करता हूँ इसलिए मुझे भी आ गई, आप मुझसे प्यार करती हैं इसलिए आपको भी आ गई। करेक्ट है। अरे पापा, आपको भी आ गई? मेरी माँ से मैं प्यार करता हूँ ना, इसीलिए मुझे भी आई होगी। फिर हमको क्यों आई? हाँ? आप दोनों का तो ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो इसलिए आपको आई, लेकिन हमको क्यों आई? तुम्हें मेरी जायदाद से प्यार है ना, इसलिए आई होगी। माँ जी, काम हो चुका है, मैं निकलती हूँ। ऋषिक से प्यार है? भारती, तेरा प्यार मेरे पूरे घर पर छा गया है। दिल दिल गया, देख दिल गया, दिल दिल गया। ¡Gracias!
से कुछ भी बोले ना पागल प्रेमी आवारा इंट्रोगेशन के नाम से महिला को एक एसपी ने धोखा दिया तुझे नहीं पेपर में लिखा है कैसे परेशानी है तू थोड़ी संभल के रहना ये भी पेपर में लिखा है क्या तू डर मत क्यों वो ऐसे इंसान नहीं है ठीक है दस बार आईना देख रही हूँ ना इसलिए पूछ रही हूँ तेरे लिए ओके है ना क्या तेरा ये ड्रेस क्यों अब तक चार बार बदल चुकी हो ये भी ड्रेस तुम्हें पसंद है कि नहीं क्यों रे हाँ। पसंद आया इसलिए पहनी हूँ फिर भी हमने जो पहना है वो ड्रेस सिर्फ हमको ही नहीं देखने वाले भी हमें देखकर इम्प्रेस होना चाहिए सच चलती हूँ सचिन ने अब तक एक भी रन नहीं निकाला है पापा चश्मा पहन लो सचिन को आए बहुत टाइम हो गया है ऐसा खेलेगा तो मुश्किल है भाई पहले चश्मा तो पहनिए तू भी क्या बात कर रहा है यार मैच पैच नहीं लगाऊंगा तो सचिन रन नहीं निकालेगा क्या चश्मा लगाएंगे तब तो पता चलेगा सचिन खेल रहा है या सहवाग लगाइए बाबा लगाइए ठीक है फोर सहवाग हाँ फोर सिक्स मारा है उसने मैंने ऑफ किया था क्या हुआ आपको ये क्या है? सीरियल का टाइम हो गया है मैच की टेंशन में हमारे जा रहे हैं तुम लोगों को रोने वाले सीरियल की पड़ी हुई क्या है ये सब अभी हम भी यहाँ पर टेंशन में हैं विदाई सीरियल में रागनी की शादी हो रही है वो पूरी होगी कि नहीं उसका टेंशन है हमें इसलिए सीरियल मिस नहीं करेंगे चलो उठो यहाँ से कोई और काम नहीं रह गया दिन भर न्यूज चैनल देखते रहते हो हमें अपनी सीरियल देखने दोगे कि नहीं हेलो भारती गुड इवनिंग सर मैं आपका यहाँ टू आवर से वेट कर रही हूँ सर टू आवर से इतनी बारिश में बहुत जोर से हो रही है सर शिट तो वहीं रुको मैं दो मिनट में आता हूँ भारती ये क्या है बारिश में रुकने की क्या जरूरत थी चले जाना चाहिए था आपके लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है जानती हूँ सर वो भी आपने मेरे लिए रख लिया क्या मैं आपके लिए बारिश में वेट नहीं कर सकती तो मैं कैसे बताऊँ मैंने झूठ बोला था मैं सीबीआई ऑफिसर नहीं हूँ जोक मत कीजिए सर प्लीज जोक नहीं ये सच कह रहा हूँ बुच्ची जब तुम्हें पहली बार देखा तो बार बार देखने का मन करने लगा पहले मैं तुम्हें पसंद करता था बाद में प्यार करने लगा उसी प्यार के लिए पुलिस ऑफिसर का झूठ बोलकर तुम्हारे पास आया तुमसे मुलाकात करके तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा भोलापन सच्चाई मुझे बहुत पसंद आए तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने ऐसा किया सच भारती भारती प्लीज भारती मेरी बात सुनो तुम्हारे पास आने के लिए ही मैंने ये सब किया ये शहर मेरे लिए नया है मेरा आगे पीछे कोई नहीं है मैं हॉस्टल में अकेली रहती हूँ भोली समझकर तुमने मुझे धोखा दिया यही तुम्हारा मकसद था ऐसा कुछ नहीं है भारती प्लीज मेरी बात तो सुनो फॉर गॉड से लीव मी अलोन जाने दे उसने जो भी किया उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है तेरे करीब आने के लिए बस थोड़ा सा एडवांटेज लिया कभी तेरे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना देखो उसके बारे में मुझसे बात मत करो ए तेरा बॉयफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड है ना कोई है मुंह बंद करके रख भारती प्लीज भारती वो हमें फॉलो कर रहा है पीछे मत देखो चलो भारती प्लीज एक मिनट रुको भारती नमस्ते नमस्ते
तुम्हें क्या चाहिए? सर वो बोलो क्या बात है? वो हमारा पीछा कर रहा है, रोज पीछा करके सताता है सर। कौन? वो? गुड टेस्ट। गुड? गुड कह रहे हैं सर? अरे अरे गुड नहीं, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा कह रहा था। रास्कल, वो व्हाइट टी शर्ट वाला ना। हाँ। ए, इधर आ रहे। मैं? तुम हटियो। क्यों सर? तू इस लड़की का पीछा क्यों कर रहा है? जिससे प्यार करते हैं उसे कोई रुलाता है क्या? ओ ऐसा है? हाँ। तुमसे ये प्यार करता है क्या? सर ये क्या सर? रुको रुको, क्या है बे? प्यार करता है कहते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? वो भी एक एमएलए के सामने? लव करने में डर कैसा? सबके सामने कहता हूँ आई लव यू। देखो देखो सर, इसकी हिम्मत देखो सर, कैसे बोल रहा है? नहीं इसे ऐसे नहीं। ए सॉरी। हाँ सर। इसे पकड़कर वैन में डाल दो, जब पुलिस सामने जाएगा तो सारा घमंड चूर हो जाएगा। ले जाओ इसे। हाँ, क्या सर? ले जाओ। सर सर, मिस्टर एमएलए, ये ज्यादती है, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन मेरे प्यार को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकर जाओ इसे। दिखा दूंगा एक दिन, ये गलत है यार। लेकर जाओ, जबरदस्ती है। तुम खुशी खुशी जा सकती हो, वो अभी तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगा, उसको पुलिस देख लेगी, इस जन्म में तो किसी और लड़की का चेहरा देखेगा भी नहीं। तुम जाओ। थैंक यू सर। तुझे तो नहीं छोड़ेगा। सॉरी भाई। ए, चला छोड़। ए, तेरा टाइम ठीक था इसलिए लड़की ने कंप्लेन की, आखिर बात क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वापसी। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? ए, तू पागल हो गया है क्या? थोड़ा सा मिस हुआ नहीं तो तेरी जान दी जा सकती थी, समझा? ए, तेरे लिए जान दे ही नहीं सकता, जरूरत पड़ी तो जान ले भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। क्या है ये? ए बामसी, मेरी बात सुन, ये सब छोड़ दे, कल ही सीनू ने दुबई से फोन किया है, थोड़े दिन के लिए उधर जाएगा तो सब भूल जाएगा। ए प्लीज, मेरा कहना मान यार। ए बामसी प्लीज, ऐसे टाइम में बाहर जा रहा, चलोगे? चलो गुस्सा छोड़ दे यार बामसी। के पास लेके आओ। नमस्ते। है वो? हाँ उधर बैठा है। ए बुड्ढे, ये 10 लाख ले और बिना किसी आवाज कर इस पेपर पे साइन कर। साहब जी, मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ की है। यारे, मरने की उम्र हो चुकी है और करोड़ों की बात कर रहा है? देखो ये बात लाल भाई को पता चली ना, तेरी जगह कोई नहीं, तेरी 3 बेटियों पे भी कब्जा कर लेगा, फिर तो तेरे घर हर घड़ी पे एक नया दामाद आएगा। बोलूं क्या? नहीं भाई। फिर तो साइन कर, कर। साहब बोलिए, क्या चाहिए? टी, कॉफी, चाय, बिस्किट? ये आदमी चाहिए। अरे ये तो पांडा भाई है, सैदू भाई। क्या रे छोटू, पांडा से मिलना है। कौन है वो? इधर आने को बोल। ए कौन है रे तू? पांडा भाई से तेरा क्या काम? आपको चोट तो नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ बेटा। हाँ, चलो ये लीजिए, ये लीजिए। सुखी रहो बेटा। We'll be right back.
किधर है रे सेठ? आएगा भाई, यही है उसकी जगह, जरूर आएगा। टाइम करेक्ट है? करेक्ट टाइम है भाई। देखो अब तक तुमने जिस जिस को जिधर जिधर जैसे जैसे मारा है, वो सारे इलीगल एक्टिविटीज के सारे सबूत मेरे पास है। इज्जत से सरेंडर हो जा। ए, किसे किसे बात कर रहा है? जानता है तू किसे बात कर रहा है? तू भाई है भाई, लाल भाई, लाल बिहारी लाल भाई। ए, तो अरे भाई आप ऐसी क्या बात कर रहे हो? इससे डरते हो? इससे डरते हो? हटो भाई, मैं अभी इसको खत्म करता हूँ। इधर आ। हमको देख कर सल्यूट करने वाला आज सरेंडर होने की वार्निंग दे रहा है, ये इसकी हिम्मत नहीं। इसमें जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है, ऐसा लगता है मुझे। गुड, वेरी गुड। तेरी ये शार्पनेस ही मुझे बहुत पसंद आई है। ये शार्पनेस ना अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर, और बड़ा गुंडा बन जाएगा। मेरे आगे ओवर एक्टिंग करोगे तो चीर दूंगा। क्या रे, तेरे बताए हुए आदमी को मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे मारेगा? मारेगा? आ मार देखता हूँ। ए, तेरे जैसे कितने गुंडों को उंगलियों पर नचाकर ये खद्दर पहना है मैंने, ऐसे मुझसे? अरे क्या कह रहा है? मार दूंगा, मार दूंगा, सारे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को नहीं मानता, इसे कैसे मान सकता हूँ? इंस्पेक्टर देख क्या रहे हो, शूट करो उसे। चलाओ गोली, गोली चलाओ, चलाओ गोली। ए, तू मेरे पास एक आदमी को देखकर जोश में आ गया था। देख उधर देख। बिहारी कर देता है सबको खाली खाली खाली। भाई किधर हो भाई? अरे भाई, भाई वो आया है भाई। कौन आया रे? वो वामसी भाई, छोटे की फोटो लेकर दीवानों की तरह ढूंढ रहा है, मैं उससे बचकर भागा हूँ। वो दीवाना नहीं, वो तो घायल हुआ शेर है। तुझे जहाँ भी पता चले वहीं पर ढूंढते रहो, गली गली में ढूंढो उसे, जिधर मिल जाए काट दो साले को। रूम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? क्या रूम में अकेले छोड़कर पूछ रहे हो यहाँ क्या करने आई हो? कमाल है भारती। भारती रुको, तो मेरी बात तो सुनो। तुम रूम में सो रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए तुम्हें बिना बताए चला आया। मैं सोई रहूंगी तब भी छोड़कर मत जाना। ओके ओके, आगे से ध्यान रखूंगा ना। गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो भारती। ओपरे हंसती हो तो और भी सुंदर लगती हो। ए रुको रुको रुको। ओके, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए क्या करना होगा? वहां पानी में कूद जाऊं क्या? बुद्धा की मूर्ति लाने के लिए तो नहीं कह रही हो? उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सोच के बोलो ना। ओके 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 मेरी जान, तुम मुस्कुराए इतना ही काफी है। तुम आइसक्रीम खाओगी? मुझे पहले ही पता था, तुम यहीं रुको मैं लेकर आता हूं। वेनिला स्क्वॉश, hey!
शाबाश रे, मुझे मारने के लिए गुस्से से यहाँ पर आया तू? ये पहले ही मालूम होता तो हम उधर आके मारते। भाई भाई, हम उधर आके मारते ना, बेकार का टिकट का खर्चा किया। उधर तो हमारा कुछ किया नहीं, इधर आकर हम लोगों का क्या बिगाड़ लेगा? तेरी तो मुझे भगाएगा। इसके ब्लड में पावर और शरीर में घमंड दोनों ज्यादा है। इधर आकर हम लोगों का क्या बिगाड़ेगा तू? इसकी जान और इसके शरीर का एक भी बूंद खून नहीं बचना चाहिए। मारो इसे। अरे बाप रे, वापस भागना पड़ेगा क्या? अचानक हुए इस हत्या के कारण पार्टी में हलचल मच गई है।
ये हत्या किसने की, किस लिए की मालूम नहीं पड़ा। पुलिस अंधेरे के लिए सारी सिटी छान मार रही है। छोटी सी उम्र में मंत्री बनकर राजनीति में राघव जी ने हलचल मचाई। वंशी, अभी मैंने टीवी में देखा राघव को किसी ने बेमौत मैंने मारा है। वो समझ कर ले गए, ले जाने के बाद पता चला कि मैं वो नहीं हूँ, बस मुझे छोड़ दिया। सच बोलो। सच कह रहा हूँ यार, जस्ट बाय मिस्टेक लेकर गए थे बस। वो तुम्हें क्या किए होंगे ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरी तो जान ही चली गई। फिर ऐसा मत कहना, तुम्हारी जान मेरी जान है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो समझो मेरी भी सांसें रुक जाएंगी। भाई वो क्या, भाई बापरे बापरे, मुझ जैसे को भगा भगा के मेरी सांस निकाल दी। मेरी तो छोड़ो, पांडा भाई को एक लात मारी तो वो हवा में पलटी पलटी हो गए, फिर से एक लात मारी तो वापस हवा में उड़ पड़े। जैसे पागल कुत्ते भाग के आते हैं वैसे भाग के आ रहे हैं भाई। भाई वो मामूली इंसान नहीं है भाई, बिजली बिजली की चमक है। आंखें देखी कभी उसकी? वो आंखें नहीं अग्निकुंड है। वो मुट्ठी बांधकर आता है तो ऐसा लगता है आसमान में बिजली गिर रही हो। इतना ही नहीं भाई, मिस्टर का तो सर उसने बीच सड़क में काट दिया, उसके सामने तुम और तुम्हारा भाई क्या है। भाई देखो भाई, तुम्हारे पास का हूँ इसलिए तुम्हारे पास आकर बोल रहा हूँ, तुम अपने भाई को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। जैसे बेकारों पे भरोसा करके आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। दिखाता हूँ मेरा पावर क्या है, दिखाता हूँ। उस कमीने की मौत मेरे ही हाथ होगी। ए छोटू, ए बाला रेड्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेशन के लिए पूछ रहे हैं। कल ही रखने को कह दो, हर न्यूज में, हर पेपर में, पूरे शहर में फुल एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग हैदराबाद। एक्सक्यूज मी, आप जो सुन रहे हैं 42.5 पर एमसी क्वार्टर SFM, पियो और पिलाओ उत्साह से और खुशी से। इडियट, इस होटल के रिसेप्शनिस्ट के सामने बकवास कर रहा है नीच कमीने बदमाश। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे गाली दी? दादागिरी करेगा आज से, दादागिरी छोड़कर गांधीगिरी करने को कहा है। किसने? बदमाशों के बदमाशों का फादर संजय दत्त। मतलब अब तुम? मुन्ना भाई जिंदाबाद। तुझे दारू ज्यादा होने से तू ओवर एक्शन कर रहा है, तुझे अभी डिसमिस करता हूँ। बार्किंग डॉग्स नो बाइट्स, मतलब रोकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। डॉग बाइट्स स्लीपर शॉट्स, मतलब कुत्ते के काटने का चाटा। एक्सक्यूज मी, मुझे इधर मारा? क्यों, डाउट है? इधर भी मारो। मैं नहीं मारूंगा, हाथ के मार में एक क्वार्टर करना चाहिए, मैं नहीं मारूंगा। एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी इधर करो, गांधी जी ने बोला मारना है प्लीज। दूसरे गाल पे मारा तो मुंह तोड़ने के लिए मुन्ना भाई ने बोला, ये बात हमको मालूम है। तुमने सिर्फ सीडी देखा, हमने तो रिलीज के दिन बेनिफिट शो देखा है। मुन्ना भाई जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग सर, सफर अच्छा हुआ ना? एसी में आया ना, फर्स्ट क्लास हुआ। ये लोग कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? कौन सर, कॉन्स्टेबल्स? नहीं, कूली लोग, लगेज ले जाना है। क्यों सर, अपने आदमी है ना, लगेज दीजिए। उनके पास तो ऑलरेडी लगेज है। हाँ? ए, अरे क्या बुरा लग गया क्या? नहीं सर। उठाओ, चलो जल्दी। मिनिस्टर मर्डर केस के संबंध में कोई सबूत मिले क्या तुमको? यस सर, उनका कार ड्राइवर एक ही आई विटनेस है सर, ऑलरेडी उसको इंटरोगेशन के लिए कंट्रोल रूम लेकर गए हैं सर।
सो तुम्हारा मतलब है कि वो मिनिस्टर को मारने के लिए नहीं पांडा के पीछे भागता हुआ आया था? ये पांडा कौन है? अपने लाल जी का भाई है सर। अपना लाल? अब ये कौन है? वो इस सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है सर। MLA से लेकर CM तक भी उनकी पहुंच है सर। ओ, महीने की कितनी पगार देता है वो तुमको? अरे ऐसा कुछ नहीं है सर। और वो देखिए, उसी ने मिनिस्टर साहब को मारा है, वही है। ए, फ्रीज करो, फ्रीज करो, फ्रीज करो। बमसी वाइजाग में डूबकर हैदराबाद में तैर रहा है। मिस्टर ऐसा सर, हमें तुरंत तुम्हारे बॉस से मिलना। बॉस? अरे वही तुम्हारा लाल सर। जी भाई, ये सब इंटरनेशनल आर्किटेक्चर से डिजाइन किया है। फ्लोरिंग मटेरियल सब इटली से मंगाया गया है भाई। ये सैंडिया सूट, ये इंटीरियर डेकोरेटर सब सिंगापुर का है भाई। फर्स्ट फ्लोर वुड कोट, सेकंड फ्लोर सब गेमिंग जोन है भाई, थर्ड फ्लोर हेल्थ क्लब है भाई, फोर्थ एंड फिफ्थ। तू इतने क्यों टेंशन में? वो नहीं भाई, वामसी वामसी। ए, मैंने कहा हुआ पत्थर की लकीर है, शेर के मुंह में सर रखकर कोई बच सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कदम रखेगा वो बच के नहीं जा पाए। अरे मर गए वामसी भाई। कहाँ है रे वो? ऐसे ही अपने आदमी होशियार है कि नहीं, ये टेस्ट कर रहा था मैं। होशियार है भाई। हाँ भाई, भाई उसे मरना होगा तो इधर आएगा। चलो भाई, छोटे से 7th फ्लोर पे बार ओपन कर। भाई ये लिप लेटेस्ट मॉडल है, जर्मनी से लाया है, लेकिन इंडिया में तो चलेगा ना। भाई ग्लास मटेरियल सब बेल्जियम से मंगाया भाई। कुछ भी हो भाई, आपके हाथों से इस कम्प्लेक्स को ओपन करवाना मेरी किस्मत है भाई। वामसी, वामसी भाई, यही देखा भाई। हाँ। ए, ए, इस कॉम्प्लेक्स के चारों ओर अपने आदमी है ना, फिर वो कैसे आ सकता है? को भाई गुस्सा मत करो, छोटू भी मेरी तरह टेस्टिंग कर रहा होगा। क्यों भाई? ए, मुंह बंद कर, मैंने सच में उसको देखा भाई। ए, तुम मेरे भाई के रूप में जन्म क्यों लिया रे? वहाँ देखो वामसी। ए, उधर देखो वामसी है। ए, जाओ भाई, आप अपने आप से टेस्टिंग कर रहे हो, हमें मालूम नहीं है। टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैंने उसे सच में देखा। ये क्या भाई, आपकी आवाज से लिफ्ट रुक गई? लिफ्ट अटक गई है भाई। समझ गया, उसी ने कुछ किया होगा। तुम भी क्या भाई नर्स की तरह पोज दे रहे हो। चुप कर, ये आवाज कैसी है? आज ओपनिंग है ना भाई, कोई ऊपर से फिडल बजा रहा होगा। ये फिडल का साउंड नहीं है बदमाश। कोई ऊपर बैठ कर लिफ्ट का वायर काट रहा है भाई। लिफ्ट वायर तोड़ना मत भाई, अपनी जिंदगी टूट जाएगी। सब लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, पर हम तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे भाई। हिलना नहीं, कोई हिलना नहीं अपनी जगह से, कोई नहीं। हमको बोल के तुम खुद हिल रहे हो। मत, मैं हूँ। ओपन द डोर जल्दी से। ऊपर है, ऊपर है। फॉलो मी, फॉलो मी। कहाँ है मालूम पड़ गया है? वोट गोदावरी के बाजू में छोटे विलेज में रह रही है। गुड, जल्दी से उनको हैदराबाद शिफ्ट करवाओ, क्विक।
चल 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 ए चला बाजू में चल, क्या देख रहा है? चल बे, क्या सोच रही हो? For God's sake, leave me alone. तुझे बटरस्कॉच चाहिए ना? टू बटरस्कॉच। ए, ए, क्या हुआ? देख, तू वंशी के बारे में सोचना भूल जा या फिर उसे प्यार कर ले। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। तू अपना क्लास लेना बंद करेगी? ए भारती। सॉरी। इट्स ओके। सॉफ्ट आइटम को हमेशा सॉफ्ट से ही डील करनी चाहिए। समझी? आइसक्रीम जहां भी गिरे उसे चाटना चाहिए। देख क्या रहा है रे? चाट चाट। ए, फिर कभी कुत्ते की तरह लड़की के पीछे दिखाई दिया ना तो चाटने के लिए जुबान नहीं रहेगी। हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं, लेकिन मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार के लिए, काश तुम मेरा यकीन करते। तेरी हर घड़ी जिद पे अपनी है अड़ी, ओ मेरी जाना तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरी बंदगी, तू मेरे साथी। तुमने पा लिया है जो दिल पर, मैं रब से क्या मांगू, है तुमसे मेरी ये दुनिया, मैं रब से ये मांगू। Thank you.
बसी है, भीगी सी चांदनी, किरणों से बेनशी है तू। नमस्ते भाई। वो किधर है? वो अंदर है। ए, ए, कौन आया? चलो जाओ जाओ। खाना खाओ भाई, कल से कुछ खाया नहीं। चले जाओ चले जाओ चले जाओ यहाँ से। कौन आया फिर से? बंद करो बंद करो दरवाजा। तुम कहीं बोल रहे हो? बंद करो बंद करो। ये क्या रे? नरसिम्हा सिनेमा में रम्या कृष्णा जैसे लाइट देख के डर रहा है? मैं फिल्में वगैरह नहीं देखता हूँ। थूप! नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। उसने उसने मुझे पब्लिक में अपमान किया। नारे सोच के बैठ के अंधेरे में रोने का नहीं, चीर डाल, बाहर जाकर उसे चीर डाल। हम डरने के लिए पैदा हुए हैं, डराने के लिए पैदा हुए हैं। हमसे जो टकराएगा उसकी जिंदगी अंधेरे में होनी चाहिए। ए छोटू, बाहर चल, चल उठ, आजा मेरे साथ। Encoded by ऐसा तो होगा ही ना भाई, छोटा जो है लड़की का पहचान क्या है? ऐसी किस्मत किसको नसीब होती है? इसके लिए इतना फीस देना? अरे माँ, ये चिंदी चोर की औलाद, एक औरत को जबरदस्ती छूना हमारी मर्दानगी है, और लोगों के सामने जबरदस्ती लड़की का पैर चटवाना हमारे लिए छोटापन है, शर्मिंदगी है। वीरराज किधर है? किधर है वो? आ गया देखो भाई। किधर मर गया सर है तू? किधर? छोटे से काम के लिए राजमंडी गया था भाई। राजमंडी गया? जो हुआ सुनकर निकल कर आया भाई। ए, छोटू को मैं तेरे भरोसे छोड़ के गया था ना, और तू क्या कर रहा है? ये देख उसे। हा? भाई 24 घंटा 24 आवर्स का टाइम तो भाई। क्यों वापस जाके मार खिलवाओगे? डाउट आया। वो जिधर भी रहे उसके हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। 24 आवर्स छोटू को लेके जा भाई। जिन लोगों के सामने अपनी इज्जत गई ना, आज उन्हीं लोगों के सामने अपना पावर दिखा गया। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे तेरी मर्जी। परसों तूने तो कहा था उसने मुझसे कभी मिसबिहेव नहीं किया। तब दूसरी बात थी, लव क्लियर नहीं था। फिर अब लाइन क्लियर हुई ना, अब शादी करने का सोच। ए चुप कर, वो मुझे घर वालों से मिलाने ले जाने वाला है। सब ऐसा ही कहते हैं, वहाँ जाने पर वहाँ पे कोई नहीं होगा। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू संभल के रहे। ए ए वहाँ से आ गया बाय। माँ 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 कहाँ चले गई? क्या? घर पे कोई नहीं है। हा? बाहर गए होंगे कहीं। सब ऐसा ही कहते हैं, वहाँ जाने पर वहाँ पे कोई नहीं होगा। ए मैं आने वाली हूँ, बताया नहीं क्या? बताया था, इसलिए चले गए। इसलिए? हमें डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए चले गए।
किस से भी? भाई हम दोनों एक ही उम्र के ना, खुलकर बात कर सके इसके लिए। आओ दिल खुलकर बात करें इसलिए। ये तो अजीब सी बातें कर रहा है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू संभल के रहे। तुम बारिश में भीग गई हो, पोंछ कर साड़ी पहन लो। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूंगा ना, तो मेरे अंदर का अपरिचित टैम ठोकर पार आ जाएगा। इसलिए जाकर कपड़े बदल लो, जाओ ना, जाओ। ये है विजयवाड़ा के 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव। इस गांव में एक रमेश नाम का लड़का राधिका नाम की लड़की को अपने जाल में फंसाता है। एक दिन रमेश अपने घर पर किसी को नहीं देखकर राधिका के पास जाकर उसे अपने घर वालों से मिलाने की बात कहता है। रमेश की बात को मानकर राधिका उसकी बाइक पर बैठकर चली जाती है। बारिश होने के कारण दोनों भीग जाते हैं। रमेश अपनी माँ की साड़ी राधिका को देकर उसे दूसरे कमरे में जाकर बदलने के लिए। यहाँ क्या खड़ी हो, जाकर कपड़े बदलो, जाओ। उसकी बात सुनकर राधिका डरते हुए कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और सांस लेती है। बाद में डर डर कर कपड़े बदलने की कोशिश करती है। उसके मन में पता नहीं क्यों एक शक था। इसी मौके का इंतजार करने वाला रमेश दरवाजा खोलकर धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए उसकी कमर पर हाथ फेरता है। वो परेशान सी हो जाती है। धीरे से अपनी आंखें खोल कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो बेकार का भरम था, ये सोचकर वो रिलैक्स हो जाती है। तब तक रमेश कोल्ड ड्रिंक में मदहोशी की दवा मिला देता है। जब वो बेहोश हो जाएगी तो उसका बलात्कार करने का सोचता है। इतने में अचानक बिजली चली जाती है। Thank God, इधर नहीं गए। ये क्या हुआ? सब टीवी में कुछ ऐसा बोल रहे हैं, वैसे क्यों हो रहा है? बाबा बाबा साईं बाबा आप ही बचाओ। पियो, किस लिए? पियोगी तो एक काम हो जाएगा। लो। नहीं। कुछ नहीं होगा, ले लो। लो। नहीं। पियो। पियो। नहीं। ठीक है। ये क्या कर रहा? तुम्हें इस तरह देखने से मुझे कुछ कुछ होता है। बाबा बाबा सच्चाई बाबा। Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. क्या हुआ, रिश्तेदारों को देखकर चौंक गई? यही मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। मम्मी पापा भाई भाभी हैं। हाँ बेटी, अपने प्रेम रोग के लिए इसने हम सबको भी रोगी बना दिया था। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब अच्छे हैं। प्रूफ चाहिए, इसको अच्छा दिखाई देता है, इसीलिए तेरे लिए अच्छी साड़ी सेलेक्ट की है, वो भी मेरी शॉप से। मुस्टी कृष्णा राव एंड सन्स, नहीं मुद्दू कृष्णा राव एंड सन्स, वो ही। अब तो सब क्लियर हो गया। ये राघव है, तुम तो जानती हो एमएलए, लेकिन ये मेरा जाने जगह है, ये घर इसी का है और ये सरप्राइज पार्टी भी इसी ने अरेंज की है। लेकिन हम किसी को मिस कर रहे हैं। कांस्टेबल सुबह आपको हैप्पी बर्थडे बोलता है मैडम। ये है सुबह, मेरा बेस्ट फ्रेंड। Thank you.
इतने दिन से अकेला फील कर रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से इतने अच्छे लोग मिले। उन्होंने मुझ पर जो प्यार और अपनापन दिखाया है, मुझे हमेशा के लिए चाहिए। मुझे तुम चाहिए वामसी। ए, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। इतनी हिम्मत रे तेरी? वो कौन है जानता है? लाल, लाल बिहारी का भाई रे। ऐसे उसको मारेगा तू? इसको छुआ इसलिए मारा ना तूने? छोटू, अब आकर इसको पकड़, देखता हूँ क्या करता है ये। मुझे क्या, हॉकी की बाल है तो मुझे क्या? क्यों रे, तू मुझे मारने के लिए हैदराबाद से यहाँ आया है? ए, तेरे जैसे 10 नहीं 50 नहीं 100 भी यहाँ जाए ना तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ना वॉइस का बेस बदलेगा और ना ही मेरा प्लेस बदलेगा। ए, परसों तेरा भाई भारती के पास गया था, वार्निंग देकर छोड़ दिया, फिर मेरे पास आया, इसलिए कुत्ते की तरह मारकर तेरे पैरों में फेंक दिया। इसके बाद कभी वो आया ना, इसके साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, काट कर काट दूंगा तुझे। भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं दी क्या भाई? वो इतनी बातें बोल के चले गया, आप भी खड़े हो, चलो भागते हैं, चलो चलो। भाग कर जाना, हार जाना इस लाल बिहारी की डिक्शनरी में नहीं है भाई। वो एक आदमी को मारने के लिए गुस्सा चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन इसको मारने के लिए दिमाग चाहिए। अपनी मार इसको लगे इसलिए अपने को हिम्मत और इसकी वीकनेस का मालूम होना चाहिए। ये क्या बात कर रहे हो तुम? उठो उठो, करोड़ के लिए अपनी दोस्ती भेजूंगा क्या? वो कौन है जानते हो तुम? मेरा बेस्ट फ्रेंड।
इतने से तब से पले बड़े साथ में, वो मेरा दिल है, मेरी सांस है, उसको मैं कैसे तुम्हारे हवाले करूंगा। आउट, गेट आउट। कूल 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 कूल, देखो चाहिए तो और भी ऐसे सूटकेस आ जाएंगे। शट अप, एक मिनट और यहां रुकोगे तो मैं नहीं जानता क्या करूंगा, जाओ यहां से। कूल सर। आउट, गेट आउट। तुझे जिसने भी मारा है उसके हाथ पैर टूट जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। तुम तो इसको इधर दवा लगा रही हो लेकिन उधर उनको कौन दवा लगाएगा? क्या कह रहे हो? इसने उनको खूब धोया होगा ना, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। मुंह बंद कीजिए। दुर्गा तुम गरम पानी लाओ। मोहन तुम जाकर बैंडेज लाओ। ललिता तुम जाकर टिंचर लाओ। ऐसे एक एम्बुलेंस भी बुलवा लो। सुनाई दिया, एम्बुलेंस भी बुला लेंगे। मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन मुझे सुनाई देता है। जिसको देखो अपनी अपनी पड़ी है। भारती बाहर आई है, कब से वेट कर रही है, किसी ने देखा? क्या भारती बाहर आई है? यहाँ नहीं आएगी तो क्या सड़क पर जाएगी? अरे आज मैं साथ था, ठीक था, कल हॉस्टल में रहेगी, अकेली रहेगी, फिर से अटैक हो सकता है, तब उसका क्या होगा, कौन ध्यान देगा उसका? भारती आओ बेटी, अंदर आओ, अंदर आओ। ए, रोको रोको, अभी हमारा मैटर पेंडिंग में है। ये क्या ऐसे ही अंदर बुलाओगे क्या? लड़की की उम्र देखी आपने, और घर में एक जवान लड़का बैठा है, कल के दिन दुनिया वाले कैसी कैसी बातें करेंगे, आपकी इज्जत का क्या होगा, एक बार भी सोचा है आप लोगों ने? करेक्ट पापा, बरामदे में सेटल कर। ए भाई, आपकी आंखें नहीं, आपका दिमाग भी कमजोर हो गया है। हाँ, स्टोर रूम में रहेगी, बिना हवा के मर नहीं जाएगी। अगर पूजा के रूम में रखे तो? कोई और तरीका नहीं है क्या भाभी? किसी और तरह सोचिए ना प्लीज। ए, ऐसे बोलो तो वैसे बोलता है, वैसे बोलो तो ऐसे बोलता है, बता तेरा इरादा क्या है? का मतलब मैं बताता हूँ। आओ भारती। बाप रे, ये किस समय आ गया? इस लड़की के साथ शादी करने के लिए, आपके लिए बहू, इनके लिए देवरानी लाने के लिए, इसलिए बड़बड़ा रहा है। आ गया, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रे, इस लड़की को लगेज के साथ चेकिंग के लिए लाया, ठीक है, इसके लिए इतना ड्रामा क्यों? पिताजी, इस ड्रामा को खत्म करने के लिए अर्जेंट से अन्नावरम में सगाई और वैजाग में धूमधाम से शादी। शुभ विवाह। हुआ रे हुआ रे, गोरी तोते प्यार हमका हुआ रे। छुआ दे छुआ दे छुआ दे, दोनों पिया इसे दिल को छुआ दे। हम कैसे समझाई हम तोरा के, ले गई लू तू हमरा चैन चुरा के। देखा संभल के चला ओ बालम, बेहाल हो जाए हाल जिया के। ए पिया 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 कहते जरा, ए सुना 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 बतिया जरा। प्यार हमका हुआ रे। सुन ओ रानी, इस दिल के सदा कैसे तड़पे लाजिया दिखाना। तो अब हमका सता बेटी के, अब चल जाए पता। तड़पा के हमका पैपू तुका, इतना बतावा गोरी जरा। बिजली गिराए रे हमरी अदा, बच के तू हमरा से जाइबा कहाँ। पिया 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 कहते जरा, ए सुना 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 बतिया जरा। हुआ रे
काटा। खुशबू से हमरी महके हवा, झूमे से हमरे झूमे जहां। चौपन के धन लेके गोरिया, तड़पा के हमका जयपुर कहां। पिया 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 कहते जरा, अरे सुना 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 बतिया जरा। समय निकला जा रहा है, लड़का लड़की को लेकर आओ। वामसी माँ जी, बाबू जी, भारती को कोई गाड़ी में उठा कर ले गया है जबरदस्ती। हेलो, क्या है रे, तेरी भारती दिखाई नहीं दे रही है? वो मेरे पास है। ए, मुझे कभी ऐसी वार्निंग मत देना रे। हिम्मत वाला मर्द है तो गांव के पुराने बंगले में आ जा, बचा के ले जा। लाल लाल बिहारी। नहीं है, सॉरी यार, तरह तरह की आंख दिखाई उसने, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना। डराया भी उसने, फिर भी मैं नहीं डरा। तेरी ही ख्वाहिश थी ना ए वंशी, मैं मिनिस्टर बनूं यही तो चाहता था ना। मैं तुझको इनके हवाले करूंगा तो मुझे मिनिस्टरी मिलेगी। कोई रास्ता नहीं था, तू मेरे लिए जान देगा ना? एक बार दे देना। उस दिन तूने उससे उसके पैर का आइसक्रीम चटवाया था ना, आज वो उसे पूरा चाटेगा। वो अकेला ही नहीं, यहाँ के जितने लोग हैं सभी चाटेंगे उसे, कोई भी नहीं छोड़ेगा। मेरे मेरी भारती को छोड़ो, मेरी भारती को छोड़ो, छोड़ो। तो मेरा दोस्त इसे को भारती को छोड़ दे, कौन है दोस्त, कौन है राघव, कौन है इसे? कितनी देर यार, सिर्फ 15 मिनट, थोड़ा सबर करना यार।
encoded by BigFourMovies.net. गले में गोल्ड चेन डालकर किंग जैसे घूमने वाले, नेक बेल्ट डालकर ऑल एशियन डॉग जैसे करते बैठे हैं। क्या मैंने कहा था ना कि भाई को लेकर भाग जाओ, क्या बोले उसको उठाओगे, उठा के बोलकर, लेकिन क्या हुआ, जिधर भी जाते हो उधर चार आदमी के साथ जाना पड़ता है। जोर से मत चिल्लाओ, गले में भी बेल्ट लग जाएगी। अच्छी बात आप सुनते कबो, ये आपका नसीब है। सेतु रुके रुक, जिसका गरम है वही भरेगा। ए मेरे सामने सिगरेट पीना गधे। नमस्कार सर। तुम्हारा बॉस किधर है? छोटे बॉस का नेकआउट है, बड़े बॉस का डकआउट है। नो टैक्स थैंक्स। हेलो सर, वामसी किधर है? पता लग गया सर। इज इट? हाँ सर। ओके आई एम कमिंग। जी आज की ताजा खबर, अपने मिनिस्टर राघव जी के खूनी के बारे में भी पता चल चुका है। वैजाग के मुद्दू स्वामी एंड सन्स के मालिक का छोटा बेटा वामसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वैजाग के वीरराज के खून में भी इसी इंसान का हाथ होने की संभावना है। पुलिस के तहकीकात से ये पता चला हुआ है कि वो इंसान इस वक्त हैदराबाद में ही कहीं छुपा है। भारती, मैंने सब देख लिया वामसी। भारती ऐसा नहीं है। मतलब मेरे साथ नहीं रहकर मुझे बिना बताए अकेले घूमते हो? इसलिए ऐसा नहीं है, मेरी बात नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहेगा, इसका मुझे कोई गम नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं सह नहीं पाऊंगी। भारती मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ मत कहो, इधर एक मिनट नहीं रुकना है, चलो चलो। भारती भारती मेरी बात सुनो, भारती मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना। वहां से उधर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, आओ चलो, हमें तो निकलना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ? चलो मेरी बात सुनो, मैं क्यों कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। समझौता काफी है, और कितनों को मारोगे तुम, कितनों को मारोगे? जितने भी मार डालूंगा सबको। एक नहीं दो नहीं, हमारी जिंदगी जिसने बर्बाद कर दी है, 100 भी आ जाए तो सबको चीट डालूंगा, चीट डालूंगा सबको, सबको चीट डालूंगा। ये किसके साथ बात कर रहा है? स्टेशन पे ऐसे कुछ बड़बड़ा रहा है। एडियट, क्या बकवास कर रहा है? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ एक लड़की से बात कर रहा हूँ? उस दिन भी यही हुआ था। तुम बाथरूम से कब वापस आए? तो तुम किससे बात कर रहे थे? ए भारती, एक बार सोचो, तुम कितनी खुश रहती थी, अपने भविष्य के लिए कितने सपने देखे थे हमने, लेकिन वो बास्टर्ड्स, पागल कुत्तों की तरह उन्होंने हमारे सपने तोड़ कर रख दिए, सारे सपने बर्बाद कर दिए। आखिर हमें क्या मिला? ये आंसू, सब दूर हो गए, सब दूर हो गए, कुछ नहीं बचा। माँ बाप भाई भाभी बच्चे सब कितने खुश रहते थे, कितने खुश रहते थे, कहां गई वो सारी खुशियां? क्यों उन सबसे दूर जीना पड़ रहा है मुझे? तुमको, मुझको, मेरे सारे परिवार को जिसने धोखा दिया, उसे एक एक आदमी को चुन चुन कर मारूंगा, चीट डालूंगा। ए ए वामसी, क्या है यार ये सब? ए सुबह,
अब तू ही इसको समझाना यार। पागल, मुझे कुछ हो जाएगी सोचकर डर रही है। जो कुछ भी हुआ उसे मैं कैसे बोल सकता हूँ। सब हमें ही देख रहे हैं यार। चल ऊपर जाकर बात करते हैं यार। Encoded by BigForumMovies.net. बेजाग में बेराज का मर्डर, हैदराबाद में मिनिस्टर का मर्डर। मैंने तो ये सोचा था ये किसी हार्डकोर क्रिमिनल का काम है, लेकिन इसका बिहेवियर देखा तो क्या हुआ था असल में, ये क्या हुआ था? नहीं, मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है, परिवार का गौरव है, दोस्ती के लिए जान देगा। भारती नाम की लड़की से प्यार किया, उससे शादी भी करनी चाहिए। मंगनी का इंतजाम हो चुका था, मंगनी होने ही वाली थी उसी वक्त। भारती को कोई गाड़ी में उठा कर ले गया है जबरदस्ती। भारती को ढूंढता हुआ वामसी गया, हम लोग भी उसके पीछे पीछे गए, लेकिन भारती, और फिर वो दोनों खून से लथपथ दिखाई दिए। भारती, भारती उस हाल में बेहोश पड़े उन दोनों को हम हॉस्पिटल लेकर गए। जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसे शमशान ले जाना पड़ा। मेरा बेटा जब होश में आएगा तो हम लोग उसे कैसे बताएंगे कि उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं है। वो होश में आया तो उसका हाल देखकर हम लोग हैरान हो गए। सच नहीं होते, इसलिए मुझे भूल जाओ वामसी। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें भूल जाऊं? बुरा सपना समझकर भूल जाऊं? अब ये टॉपिक हमारे बीच कभी नहीं आना चाहिए। तुम हमेशा हंसती रहो बस। भारती को जिंदा समझकर वो हवा से बातें कर रहा था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है भारती? क्या पापा आप इन्हें समझाइए ना, समझाइए ना भारती को, आप समझाइए ना माँ। अब भाभी कहिए ना इससे, भैया ये हमसे देखा नहीं गया, हम लोग उसे कैसे समझाएं ये पता नहीं चल रहा था। हम डॉक्टर को पूछने गए। He's suffering from visual hallucination, part of the schizophrenia. हम जिसे ज्यादा प्यार करते हैं वो दूर जाने पर सहन नहीं होने वाली मानसिक स्थिति में वो हमारे सामने है, वो उसे ये सोच कर उससे बातें करता रहता है। फिलहाल आपका लड़का इसी स्थिति में है। ऐसी कंडीशन में वामसी को सच पता चलेगा तो वो बचेगा नहीं, डॉक्टर ने हमसे ऐसा कहा। तुरंत हमें राघव की याद आई, हमने उसे फोन किया। ए, वो यही है, वो और उसके फैमिली का एक भी मेंबर, बचना नहीं चाहिए। जो जैसा मिलेगा उसे मार दो, जाओ। जो हमारा सहारा बनेगा सोचा था वही हमारी पीठ पर छुरा भोंक कर मेरे बेटे को इस हाल में लाया। राघव के आदमी से बचने के लिए और मेरे बेटे की जान बचाने के लिए गांव छोड़कर चले गए। मेरा बेटा कभी होश में आएगा सोच रहे थे कि एक दिन वो अचानक पता नहीं किधर गया। उसके दूसरे ही दिन वैजाग में वीरराज की हत्या हुई, तब हमें समझ में आया कि मेरे बेटे ने जंग शुरू कर दी है। उसकी जंग में हम आड़े ना आए इसलिए हम दूर ही रहे। इसका मतलब आप इस काम में उसका समर्थन कर रहे हैं? मैं अकेला ही नहीं, मैं भी साथ में हूँ। चाचा ने जो किया सही किया। क्या मरी हुई इसकी गर्लफ्रेंड जिंदा है?
सोचकर वो हवा में बातें कर रहा है, पागल हो गया है। शाबाश, ये है न्यूज। बेचारी उसकी गर्लफ्रेंड मर गई, ये जिंदा रह के क्या करेगा, इसे भी उसी के पास भेज देते हैं। वो तुम्हें ही करना होगा, लेकिन एक बात, उसका एनकाउंटर करने से पहले एक बार मुझसे फोन पे बात करवा देना। घर बुलवा के पिंडदान करवाना इसको कहते हैं। ए, ये फोन तेरे लिए है, तेरा कोई चाहने वाला बात करना चाहता है, ले बात कर। लाल बिहारी, मुझसे जो टकराएगा वो हो जाएगा खाली। मुझे मारने की तलाश में चाकू लेके घूम रहा था ना रे, अब तू ही कुछ मिनटों में मरने वाला है। ए, अब उन्हीं चार दीवारी में तेरी मौत है। ए, तू मर जाएगा तो तेरी भारती को कौन देखेगा रे। डर मत, हम है ना। अरे हम उसका ख्याल रखेंगे। छोटू, ओल्ड पैसेंजर्स है ना। तुम परेशान मत होना, अब खुशी से मर। क्या है मालूम पड़ा, तेरी कहानी भी मुझे मालूम पड़ी, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला तू ही लेगा, जो जैसे मिले उसे वहीं पर मार दे। भविष्य में मवाली, गुंडा, दादा, किसी भी प्यार करने वाले के पास आने से पहले उसका डर के मारे पेशाब निकल जाए। ए कांस्टेबल, अच्छी पड़ी ना तुमको, चलो। इसका नाम क्या है? राजेश। नहीं, वंशी कृष्ण। वंशी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसका एनकाउंटर कर दिया, इसके साक्षी तुम सब हो। ए, अब कुछ मत कहो, इतने दिन से ऊपर के ऑफिसर ने कहा, मिनिस्टर ने कहा, उसकी माँ के आदमी ने कहा, सुनकर ये लफंगे केस में हम फंसे हुए हैं। आज हम न्याय के लिए अन्याय से ही सही एक अच्छा काम करेंगे। कम ऑन, प्रोसीड। यस सर। क्या बच गया? ए लाल, ए वामसी, तू आएगा मुझे मालूम था। भारती कहाँ है? मेरे हाथों ही तेरी मौत लिखी है, इसीलिए तू यहाँ आ गया, अब तू नहीं बचेगा। पहले ये पता कि भारती कहाँ है, नहीं तो मरेगा तू। ए, अरे तू क्यों उससे झगड़ा कर रहा है? वो हमसे क्या मांग रहा है, जमीन जायदाद या सोना? भारती ही तो मांग रहा है, दे देंगे। अगर हम उसे नहीं दे सकते तो वो जहाँ है इसे भी वहीं भेज देते हैं। ए, जल्दी करो, इसे भी वहीं भेज दो। टट्टू, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, चाहे जितने भी आए सबको मार डालूंगा।
तुझे भी मार डालूंगा। हाथों से मैंने उसका अंतिम संस्कार किया है बेटा। इतने दिन तुम्हें बचाने के लिए तू जो कह रहा था वो सच है कहकर झूठ कहते थे हम बेटा। हाँ सच है, भारती तुझे अकेला छोड़कर चली गई।